सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह कुंवर है, मैं गुजरात के नडियाद से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। तो स्वागत है आज सभी का हमारी 8 बजे के ऑनलाइन वेबिनार पर, जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, द फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज, राइट। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि चिंतन जी का और सचिन जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज कुछ ना कुछ चीजें हम हमसे आपसे शेयर करें और उस चीजों से आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आए। सो अगेन थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित बने रहे, क्योंकि ये काल अभी मुझे तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक देखा जाए तो इतना बड़ा है कि मैं आपको आधे पौने घंटे में समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले कुछ समय आप अपने माइंड को ओपन रखेगा, राइट, क्योंकि अगर माइंड ओपन रहेगा तो ये माहिती आप भरपूर उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही मस्त, बहुत ही लाजवाब आएगा और बहुत ही मजा भी आने वाला है। तो सबसे पहले मुझे माफ करना, मैं सिर्फ यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूथ से बात कर रहा हूँ। और मेरी गिनती के मुताबिक यूथ का मतलब जिनके अंदर भरपूर एनर्जी, भरपूर जुनून, एक बर्निंग डिजायर, एक आपकी कमिटमेंट और आपकी मासूमियत, इन सभी चीज, ये सभी गुण जिसमें भी है वो सारे के सारे लोग मेरी गिनती के अनुसार यूथ है। एक महाशय का कुछ इंटरव्यू था तो मुझे पूछा गया, सर व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है? तो सर ने बोला, आई एम 68 ईयर्स यंग, मैं 68 साल का नौजवान हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज इज जस्ट अ नंबर, राइट। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज टॉपिक के लिए मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा ताकि इसे आसानी से थोड़ा सा दिमाग में उतार सके। तकरीबन थोड़े से कुछ 5-6 घंटे के कुछ हम लोगों ने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस की और कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन भी किया कि चलो ये चीज आपसे शेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बनाए, तो मेरी नजर भी उसमें भी कुछ बनी रहेगी, राइट। तो 3 पार्ट में हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टीज, 3 पार्ट। तो नंबर 1, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी शुरू करने से पहले आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले आप क्या जानते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसके बारे में क्या जानोगे। यानी कि यूथ का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला नियम, जो भी लोग सीखते हैं वो यूथ है, राइट, और जो सीखता है वो जीतता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो 3 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है पास्ट, यानी कि भूतकाल। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको ऐसे पास में ले जा रहा हूं जहां पे 47 के पहले, राइट, 47 के पहले जहां पे पॉपुलेशन कम थी लेकिन तकलीफें ज्यादा थी। मैं उस युग की बात करता हूं जहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर युग चल रहा था, भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जी रही थी, खेती बाड़ी से जुड़े हुए। उसके बाद 80 के दशक में एक और नया कल्चर आ चुका, 80 के दशक में, जिस कल्चर को बोला जाता है जॉब कल्चर, जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ पैसों के लिए कुछ नौकरी या कुछ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयज नाम के शब्द बाहर निकल आए, राइट, 1900 के बाद। हमारा भूतकाल हमें पता है कि क्या था, लेकिन उस समय हमें ये नहीं पता था कि अभी क्या होने वाला है। आप मेरे वर्ड्स आप कुछ महसूस कर पा रहे होंगे कि हमें उस समय पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं बात करूंगा वर्तमान की। हम यकीनन जानते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है, बहुत ज्यादा से हम लोग जान रहे हैं कि आज की परिस्थिति क्या है, कैसे है, कितनी क्रिटिकल है, राइट। आज सारे के सारे जॉब्स इतने सारे खतरे में है, इनकेस मैं कहना चाहूंगा कि कई सारे जॉब, कई सारे बिजनेसेस और कई सारे प्रोफेशंस पर आज एक लटकती हुई तलवार है। और मुझसे ज्यादा शायद आप जानते भी होंगे कितने, आपको तो मे बी शायद कुछ पॉइंट्स भी मालूम होंगे परसेंटेज के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा परिवर्तन कैसा आने लगा। मैं कुछ बात कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड के बारे में। मैं कुछ एजुकेशन फील्ड के बारे में बात करूँ कि जब भी कोई स्कूल, जब भी कोई ट्यूशन, जब भी कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में, पहले मोबाइल फोन बहुत ही बैन थे, वहां पे मोबाइल फोन ले जाना बैन था, लेकिन परिवर्तन कैसा आ गया, आज वही मोबाइल फोन पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चलाता है, पूरी की पूरी स्कूल, पूरे के पूरे ट्यूशन चलाते हैं। ये एजुकेशन फील्ड का बहुत ही बड़ा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। मैं आपसे ये बात की, सो प्रेजेंट जॉब लॉसेस, बिजनेस लॉसेस, एजुकेशन फील्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो
आने वाले समय में हम लोगों ने जाना कि आज रेल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, पशुपालन उद्योग, इतने सारे उद्योग आज कितने मंदी में चल रहा है। इनके टूरिज्म टूरिज्म तो आई थिंक बहुत ही लॉस में चल रहा है। क्लोथ इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग वो तो उससे भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मंदी रियल एस्टेट। आप भी जानते होंगे कि इतना सारे आप लोगों को घाटा हो चुका है। मैं कुछ अप्रैल के बारे में बात करूं ज्वेलरी के बारे में, तो अप्रैल में जो आंकड़ा है उससे तो मेरे होश उड़ गए। 99% ज्वेलरी लॉसेस में चल रही थी, उनके बड़े बड़े रिटेलर्स, उनके शॉप, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स। ऑटोमोबाइल्स, मैं कोई कंपनी के बारे में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उस कंपनी के बारे में मुझे पता चला कि अप्रैल के महीने में उस कंपनी से सिर्फ एक ही कार बिकी थी, ओनली वन कार। आप सोच सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राइट? ऑन एन एवरेज 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। और आई थिंक इसको मैं कुछ परसेंटेज में बांट लूं तो 27.2% आज जॉब लॉसेस हो चुके हैं कोरोना के रिगार्डिंग। आप जानते हैं इसके बारे में, हम आपको डराना तो नहीं चाहते, लेकिन ये फैक्ट है। मैं किसी को पुट डाउन तो नहीं कहना चाहता, मैं विथ रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, राइट? तकलीफ वाली बात है, कड़वी बात है, लेकिन सच है। सो दूसरी चीज, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। मैं आपको थोड़ा सा भी फ्यूचर पर थोड़ा सा ले जाऊंगा, तीसरा पर ये फ्यूचर क्या है। अभी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, आप जानते होंगे कि आज यूएसए में बैठे बैठे कोई डॉक्टर होता है वो इंडिया में ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है यूएसए में बैठे बैठे। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। आज कोई भी फैक्ट्री में कोई भी कोई नया साधन आता है, कोई भी कोई नया रोबोट आता है, तो वो 8 से 10 कारीगर का पूरा वो काम करता है। ऑटोमेशन रोबोटिक्स यानी वाला हमारा फ्यूचर है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, एक आंकड़ा यहाँ पे आया है कि आने वाले समय में 800 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण उनकी जॉब गुमाने वाले हैं। और ये फैक्ट है, मैं आपको डराना नहीं चाहता। तो आज के यूथ कंफ्यूज है कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ बात ऐसी करने वाला हूँ जिसके बारे में आप अगर सुनोगे तो आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आएगी, राइट? मैं कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि ये चीज क्या है और ये क्या था। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर यूथ के बारे में, अगर यूथ को कुछ करना है, वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, तो अगर यूथ कोई डिसाइड करता है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैं इंजीनियर का एग्जाम्पल लेता हूं। इंजीनियर के एग्जाम्पल में जितने भी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको जानना पड़ेगा कि स्टडी कितने टाइम करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज 1 to 12 और साथ में 4 से लेकर 5 साल, यानी कि तकरीबन 17 से लेकर 18 साल आप स्टडी करेंगे, राइट? स्टडी करने के बाद कितना खर्चा होगा, खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, कॉलेज के, ट्यूशन के, स्कूल्स के, सारे के सारे। मैं मिनिमम लेता हूँ 10 से लेकर 20 लाख मिनिमम, ये बहुत ही कम है, राइट? और सबसे बड़ी चीज, इतना सारा पैसा और समय खर्च करने के बाद हमारी सैलरी क्या है, 20,000? मैं एवरेज ले रहा हूँ 20,000, 8,000 भी होता है। और सुनो, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि लोगों को अभी तक जॉब भी नहीं मिल रही, मैं जॉब मिले तो बात कर रहा हूँ। यानी कि इंजीनियर बन के 17 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक्सपेंसेस हमारे लाखों के होते हैं, और हमारी सैलरी 20,000 रुपए ऑन एन एवरेज। उसके आगे जाने के बाद सीए और गवर्नमेंट जॉब, माफ करना दोस्त, मैं किसी को भी पुट डाउन नहीं करूंगा, मैं विद रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसके बारे में बात करूंगा। सीए और गवर्नमेंट जॉब, सीए के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, बहुत सारी स्टडी, 12 के बाद कुछ ग्रेजुएशन और उसके बाद कुछ क्लासेस, और क्लासेस ऐसा नहीं, क्लासेस में तन तोड़ मेहनत, जबरदस्त मेहनत, राइट? स्टडी करने के बाद हमारा खर्चा कितना होता है, 1 से 12 का होता है, ग्रेजुएशन का होता है, और क्लासेस के खर्चे अलग, राइट? और ये चीज आपको मालूम ही है कि कितना खर्चा होता है। और मैं अपनी सैलरी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा परसेंटेज की, कितने परसेंटेज लोग उनको सीए के, उनको जो जॉब मिलती है, फिर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कितने परसेंटेज। आगे जाते हुए मैं बात करूंगा डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स विथ रिस्पेक्ट। डॉक्टर बनने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है, 12 कक्षा तक, उसके बाद 5 साल जब तक सॉल्व ना हो तब तक, राइट? और बहुत ही जबरदस्त मेहनत, और 60-70 वाले तो नहीं होते वहां पर, 80-90% वाले ही होते हैं। तो कितनी सारी स्टडी, वहां पर भी कितनी सारी कॉम्पिटिशन है,
उसके बाद उसका खर्चा, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी बात। मैं अगर इंजीनियर और डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कंपटीशन करूँ, थोड़ा सा कंपटीशन करूँ, तो एक्सपेंस यहाँ पे डॉक्टर के लिए मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 80 लाख, कई बार तो 1.5-2 करोड़ भी पहुंच जाता है। यहाँ पे कितने सारे एक्सपेंसेस है, राइट? और सैलरी आई थिंक 1 लाख रुपये इनफ है, राइट? लेकिन 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ खर्चने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, आगे ले जाते हुए मैं बात करूंगा एमबीए। आज एमबीए का बहुत ही बड़ा यहाँ पे फैशन चल रहा था पहले। एमबीए करने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है? आई थिंक 12th तक, और उसके बाद एमबीए करना पड़ता है, बीबीए भी आता है, राइट? यानी कि 17 से लेकर 18 साल हम लोग स्टडी करते हैं, एक्सपेंसेस उसके भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके बाद हमारी सैलरी। लेकिन एमबीए के लिए, माफ करना दोस्त, एमबीए के लिए जॉब मिलनी बहुत ही मुश्किल है। यानी कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतने सारे हम लोग खर्च करने के बाद, हमें सैलरी क्या मिलती है? मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल आप अपने आप से पूछें। आप जो इनकम के बारे में सोच रहे हैं, आप जो अभी जो इनकम ले रहे हैं, क्या हमारी एबिलिटी इतनी है? मैं कहता हूँ कि हम इंसान हैं, मनुष्य है, और क्या मनुष्य की एबिलिटी इतनी होती है, राइट? सो मैं किसी को पुट डाउन नहीं करूंगा, लेकिन आगे जाते हुए मैं बात करूंगा बिजनेस के बारे में। बिजनेस, राइट? बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत सारा, और पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं। मैं पुट डाउन नहीं करता, लेकिन जितने भी लोग बिजनेस के नाम पर कुछ काम करते हैं, उसको मैं सेल्फ एम्प्लॉय कहना चाहूंगा, जहां पे आपकी जिम्मेदारी है, जहां पे आपकी उपस्थिति जरूरी है। बिजनेस चालू करने के लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का खर्चा करना पड़ेगा, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगी कॉम्पिटिशन, और सबसे बड़ी चीज, बिजनेस चालू करने के लिए एक आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा रिस्क, जिगरा चाहिए। इसी के कारण ज्यादा लोग आज बिजनेस नहीं कर पाते। तो अगर मैं आपको सीधा सा क्वेश्चन कर लूं कि अगर मुझे महीने ये 50,000 चाहिए, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कम से कम? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कभी ट्रेडिशनल बिजनेस किया नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे कहीं पे थोड़ा सा मैंने जाना था, तकरीबन 10 से लेकर 20 लाख कम से कम, राइट? अगर चला तो ये चीज हुई हमारी बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन सबके बारे में। अब इतनी सारी चीज मैंने आपको बता दी, तब आगे क्या? इतनी सारी चीज के बाद में आगे क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बात कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉर्मली कोई भी क्लास फैमिली, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, कोई भी क्लास फैमिली हो, उनके लिए बहुत ही इजीली, बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही सस्टेनेबल। अगर लॉन्ग टर्म ज्यादा पैसा वाले पैसा कमाना हो, तो एक ही इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप एज अ यूथ या फिर एज अ कोई भी, आप एज अ अच्छा सा बहुत ही यहाँ पे करियर बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा थो, 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 फोटोज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली चीज जो मुझे पसंद आई, शायद आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको आपकी एबिलिटी के अनुसार आपका पे आउट मिलता है। ये बहुत ही बड़ी चीज है, नॉट नॉट टू पॉइंट, राइट? आपको ये इस पॉइंट को नोट करना चाहिए, आपको आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपको यहाँ पे अपना पे आउट मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग के कुछ आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे, कुछ मैंने फोटोग्राफ्स यहाँ पे चिपकाए हैं, कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बैंगलोर में, बहुत सारी जगह पर इसके नेटवर्क मार्केटिंग के सारे कोर्सेज चालू हो चुके हैं, डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज चालू हो चुके हैं। आज गुजरात में कुछ बात करूं तो बीकॉम में भी इसका सब्जेक्ट आने लगा है। अगले कुछ आने वाले समय में 12वीं कॉमर्स में भी आने वाला है इसका, उसके सारे के सारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे एजुकेशन होगा वो। यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी सर और रामविलास पासवान जी का पे मैं स्टेटमेंट लिखा है कि विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास, और डायरेक्ट सेलिंग में महिला का परचम है। या फिर अगर आप कोई भी चीज करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपके पास कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सभी के लिए सेम टू सेम प्लेटफॉर्म देता है। मैं इसके बारे में कुछ फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 137 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 137 ईयर्स अगो, राइट? और हिंदुस्तान में 1996 से, यानी कि 24 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री को, 24 साल, और 24 साल में आज लाखों लोग खुद की
जिंदगी बना चुके हैं, खुद के सपनों की जिंदगी जी रहा है। और यहाँ पे हमारा टर्नओवर, अगर मैं कुछ टर्नओवर की बात करूँ, आज मैं यूएसए से मैं कंपेरिजन करता हूँ, अमेरिका, यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, 32 करोड़, वहां पे पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 2,32,000 करोड़ है। पर सामने अगर मैं हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कंपेरिजन करूँ, हिंदुस्तान की कम से कम 132 करोड़, यानी कि 100 करोड़ ज्यादा। वहां पे 2017 में हमारा टर्नओवर था तकरीबन 7,800 करोड़, और यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन, 2,32,000 करोड़। तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि यार जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहां पे टर्नओवर ज्यादा है। तो एक बार सोच के तो देखो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल कितना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द लीडिंग न्यूज़पेपर, उन्होंने बोला है कि 2025 में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 65,000 करोड़ होने वाला है, 65,000 करोड़। और 2019 और 20 का आपने यहाँ पे कुछ फोटो भी देखा होगा, 2.47 बिलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन 17 से 18 हजार करोड़ जो टर्नओवर हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा इसके बारे में, इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग में हमें काम क्यों करना है, आपको यहाँ पे फ्यूचर तो दिखा है। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो मैं हमेशा सुना था, मुझे बहुत पसंद है, और सुनाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। आपने शायद गुरु फिल्म देखी कभी, गुरु, अभिषेक बच्चन जी की देखी होगी, राइट। तो गुरु फिल्म में क्या होता है कि अभिषेक बच्चन हीरो, वो कहीं पे जॉब करता होता है, और वो इतनी अच्छी जॉब करता है कि उसके बॉस उनसे खुश हो जाते हैं, यार बंदा कितना अच्छा जॉब करता है। और बॉस से खुश होने के बाद बॉस उनको प्रमोशन दे देते हैं, प्रमोशन, राइट। और जैसे हीरो को पता चलता है कि बॉस ने मुझे प्रमोशन दिया, तो उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सीधा जॉब में रिजाइन दे देता है। बॉस सोचता है यार कैसा मूर्ख इंसान है, मैंने इसका प्रमोशन कर दिया और एक कमबख्त यहाँ पे जॉब रिजाइन कर रहा है। तब बॉस ने हीरो को बुलाया अपने केबिन में और इतना पूछा कि आपने तो, आपको तो प्रमोशन मिल गया, आप जॉब रिजाइन क्यों करते हो। हीरो ने तो सिर्फ इतनी सी चीज कही कि बॉस एंड फिर सर, आपने मेरा प्रमोशन इसीलिए किया क्योंकि मैंने अच्छा काम किया। बॉस ने कहा यस, आपने अच्छा काम किया। तो फिर हीरो ने क्या कहा, यही सुना कि ये बहुत मस्त बात है, ये पॉइंट है बहुत ही बड़ा। हीरो ने बोल दिया, अगर मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं मेरे खुद के लिए भी अच्छा काम कर सकता हूँ, राइट। सो पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि अगर आप किसी और के लिए काम कर सकते हैं तो आप अपने खुद के लिए भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अपने सपनों के लिए काम करने का मौका देती है। सो डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा आगे जाते हुए मैं आपको कौन सी कंपनी चूज करें और कैसे कैसे कुछ क्राइटेरिया चूज करें, तो उसके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी की परसेंटेज कितनी है, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कितना है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, राइट। और सभी को जानने के बाद सिर्फ एक ही कंपनी जुबान पर आती है, और दोस्तों उसका नाम है वेस्टीज। और वेस्टीज को बोलते हैं मेरे मुंह पर थोड़ी सी चमक आ जाती है, मेरे खून में थोड़े से अंगारे आ जाते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि वेस्टीज ने हमें वो चीज दी तो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हमें कभी नहीं देती। मैं बात कर रहा हूँ वेस्टीज की, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, आज 16 साल हो चुके हैं, और हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी, जो पूरे वर्ल्ड में उसका ग्लोबल रैंक 30 नंबर पर। आज वेस्टीज की ग्रोथ 79% कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, जिसकी परसेंटेज में आपको बता दी। हमारा मिशन यहाँ पे है, हम लोग लोगों को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाते हैं, आत्मनिर्भर। मोदी सर ने मुहिम यहाँ पे निकाली है कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो आपको वेस्टीज मौका देती है आत्मनिर्भर बनने की, यानी कि आप अपने दम पर अपने सपने पूरे कर पाए। हमारा विजन क्या है, हमारा विजन बहुत ही बड़ा है कि 2025 तक, आज हम लोग 10 कंट्री में है, 2025 तक हमारे 50 कंट्री से ज्यादा हमारे कंट्री होंगे वेस्टीज के, राइट। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लाजवाब है, हमारी मार्केट वैल्यू बहुत ही लाजवाब है, हम कस्टमर का 100% सेटिस्फेक्शन भी देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 26 से लेकर 27 साल का एक्सपीरियंस हमारा मैनेजमेंट है, बहुत ही जबरदस्त। कंपनी की मैच्योरिटी बहुत ही जबरदस्त है, और कंपनी की एक ही थॉट प्रोसेस, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और सारे के सारे कस्टमर दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले। तो इतनी सारी चीज कॉम्बिनेशन करके एक कंपनी की स्थापना की, उसका नाम है वेस्टीज, और वेस्टीज में आज बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल हैं। तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा एक टॉपिक के बारे में
और टॉपिक यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है जिसका नाम है यूथ यूथ, क्योंकि आज का टॉपिक स्पेशली आज उनके लिए है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो यूथ इस वेस्टिज के क्यों लायक है या फिर वेस्टिज और हमें यूथ को क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि आने वाले समय में लोगों को जॉब की तलाश होगी लेकिन मिलेगी नहीं, लोगों को बिजनेस चालू करना होगा लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा। सो व्हाट विल बी चूज, हमें क्या पसंद करना चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टिज का कॉम्बिनेशन यूथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूथ के लिए पावर है, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, ड्रीम है, नीड है, इनोसेंस है, सब कुछ है यूथ के पास, सब कुछ है। मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास इनोसेंस है, मेरे ड्रीम बड़े हैं। अगर किसी यूथ से पूछ लो कि बेटा आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, बोलेगा मुझे मर्सिडीज चाहिए पापा। अगर आप उनके पापा से पूछ लो कि अंकल आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो बोलेगा कि अब तो उम्र हो चुकी है, कोई भी मिल जाए अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूथ से पूछोगे तो यूथ के सपने होते हैं। और मैं बहुत ही बड़ा पॉइंट कह रहा हूँ कि 20 से लेकर 40 साल की जो एज होती है, उसी एज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं और उसी एज में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट रियलिटी क्या है कि हम लोग 20 से लेकर 60 साल तक इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं और रिटायर होने के बाद हमारे पास कुछ पैसा आता है लेकिन हमारे पास उसको एंजॉय करने के लिए समय नहीं होता। अगर आप रिटायर होने के बाद कोई लग्जरी कार लेते हैं, आपकी लग्जरी कार घर से लेकर हॉस्पिटल उतने तक ही चलेगी। लेकिन सोच लो कि अगर आप 25 साल 30 साल के अंदर अगर आप रिटायर हो चुके हो वेस्टिज से, राइट, और आप अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और आपके पास लग्जरी लाइफ के अलावा बहुत कुछ है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आई थिंक बहुत ही बड़ी चीज। आप सिर्फ सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी जायंट कंपनी, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट और ऊपर से हम यूथ, सो इट्स अ राइट कॉम्बिनेशन फॉर अस। यूथ के लिए बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। इतनी बड़ी कंपनी, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना है, जस्ट चेंज द शॉप एंड चेंज द लाइफ, इतना सा कॉन्सेप्ट, और ऊपर से हम यूथ जो डिजिटली भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। आज वेस्टिज 9 से 10 कंट्री में है और फिर भी आज हमारा टर्नओवर बहुत ही जबरदस्त है। आज वेस्टिज 9 से 10 कंट्री में, जहां पे हजारों यूथ अपने सपने पूरे कर चुके हैं और आने वाले समय में लाखों लोग अपने सपने पूरे करने वाले हैं, लाखों यूथ सिर्फ 9 से 10 कंट्री में। सिर्फ एक बार सोच के तो देखो, जब 40 से लेकर 50 कंट्री में हम होंगे तो हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। सिर्फ सोचो कि हमारा एक नेटवर्क सिर्फ एक कंट्री में है, तो 50 नेटवर्क 50 कंट्री में होगा तो हमारी इनकम क्या होगी, सिर्फ एक बार सोच के तो देखो। बाली सब की तरह सिर्फ एक बार सोचने की हिम्मत तो करो कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। सिर्फ एक बार सोचने की हिम्मत तो करो कि पत्नी या पति सिलेक्ट करने से पहले आप अपनी लग्जरी लाइफ सिलेक्ट कर ले तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आई थिंक जितने भी यूथ है उनके मुंह पर चमक आ गई होगी, उनके विजन खुल गए होंगे। एक बार सोचने की हिम्मत तो करो कि पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओ, राइट, और पत्नी होकर साड़ी पहनने से पहले आपके घर गाड़ी आ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त, राइट। सिर्फ एक बार सोचने की हिम्मत तो करो यूथ के लिए स्पेशली, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। सिर्फ एक बार सोचने की हिम्मत तो करो आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, कैसी रहेगी ये जिंदगी। और ये प्रूव है और इसको प्रूव हमने कर दिया है, आज लाखों लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। हमारे यूथ, वेस्टिज के यूथ आज महीने के 11 लाख भी कमा रहे हैं। आज 17-18 साल के लड़के या फिर लड़की या फिर मैं इसको बच्चे भी कह सकता हूँ, सारे के सारे यूथ कोई 15,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 11 लाख रुपए आज इतनी सारी इनकम, राइट। तो ये वेस्टिज प्रूव कर चुका है, ये मैं भी प्रूव कर चुका हूँ, इतनी कम उम्र में भी हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो शुरुआत तो हो चुकी है। आज दिल्ली की कॉलेज में, मैंने कहीं भी वीडियो में दिखा था, तो आई थिंक मैं आपको आपसे ये शेयर करूंगा कि दिल्ली की कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग ये कोर्स चल रहा है और उस कोर्स में जब भी एग्जामिनेशन थे तो वहां पे वेस्टिज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे। अब समझ लो इसका कितना पोटेंशियल है, कितना विजन है हमारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप सपना तो मुफ्त में देखोगे, सपने के लिए कोई कीमत तो नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन
उसको पाने के लिए आपको समय और ऊर्जा लगानी पड़ेगी। याद रखना, सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। सपना आप मुफ्त में देखोगे, लेकिन उसको पाने के लिए आपको ऊर्जा और समय लगाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वेस्टीज के लिए सिर्फ 2 से लेकर 3 साल, बस सिर्फ 2 से लेकर 3 साल अगर आप वेस्टीज को दे दोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही लाजवाब होगी। पहले साल आप सीखोगे, दूसरे साल आप लोगों को सिखाओगे, और तीसरे साल आप बहुत ही जबरदस्त पैसा कमाओगे। आज वेस्टीज के द्वारा आज बहुत सारे यूथ अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, इनके ऑडी भी राइट। आज वेस्टीज के द्वारा आज बहुत सारे यूथ आज ट्रैवल कर रहे बहुत ही कंट्रीज में, कंट्री में पासपोर्ट बनाकर। हम लोग सोचते थे कि 18 साल के उम्र में हम लोग जाएंगे कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लेकिन यहाँ पे तो यूथ आउट ऑफ कंट्री घूम रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज राइट। तो 3 साल अगर आपने सीरियसली नेटवर्क बिल्ड कर दिया तो आपके आने वाले समय में आपको आपका जॉब का रिज्यूम लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो सिलेक्टिंग वेस्टीज एज अ करियर, ऑन वेस्टीज आप खुद के बॉस होंगे, चूज ऑन वर्किंग आवर्स आप अपने खुद के समय यहाँ पे लगाओगे अपने वर्किंग आवर्स, यानी कि आपका चॉइस ऑफ टाइम, चॉइस ऑफ वर्क, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट संडे हॉलीडेज आप कभी भी काम कर सकते हैं, देयर आर नो टाइम फॉर वर्क, आप अपनी चॉइस के द्वारा वर्क करोगे। चूज योर सेल्फ पीपल विथ होम यू वुड लाइक टू वर्क, आप पसंद कर पाओगे कि आपको किसके साथ काम करना है। मैं बहुत ही कड़ी बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोग, ज्यादा प्रतिशत लोगों को अपने जॉब, अपने बॉस का फेस नहीं पसंद, सच बात है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अपने पसंद किए गए हुए लोगों से उसके साथ काम कर सकते हैं राइट। चूज वेयर इन विच आर टाउन स्टेट यू वॉन्ट टू ग्रो बिजनेस, आप पसंद कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे बिजनेस ले जाना है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे अहमदाबाद में जाना है तो आप अहमदाबाद में जाओगे, आप चाहते हैं कि मुझे मुंबई में जाना है तो मुंबई में काम करोगे, आप चाहते हैं कि मुझे दीव जाना है, मुझे गोवा जाना है काम करने के लिए, तो गोवा भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी चॉइस है। प्लान हाउ मच यू विल लाइक टू इंक्रीज योर इनकम, यस दैट इज द पॉइंट, ये पॉइंट बहुत लाजवाब है। आपके पास मौका है, आपके पास एक बहुत ही बड़ी चीज है कि आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि आपको कितनी इनकम चाहिए, कोई और चूज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से 10 लाख कमाएंगे तो आप कर सकते हैं बिल्कुल राइट। तो इट्स अ बेटर चॉइस। और मैं अगर एक चीज सामान्य भाषा में कहूंगा कि वेस्टीज आपको जॉब पर भेजे बिना रिटायर कर देंगे, रिटायर कर देगा। और रिटायरमेंट का मतलब 58 ईयर्स तक काम करना नहीं है, रिटायर का मतलब कुछ बड़ी उम्र होकर ज्यादा काम करने का नहीं होता, रिटायर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका बैंक बैलेंस फुल है तो माय डियर फ्रेंड आप अभी से रिटायर हो। अगर इतनी सारी चीज वेस्टीज प्रोवाइड करती है तो क्यों ना हम लोग इसके बारे में करियर चूज कर लें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा और उस कहानी के बाद मैं मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान हमेशा भगवान को प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे सफल बनाओ, मुझे सफल बनाओ, मुझे सफल बनाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 25 साल बीत गए और अंत में 60 साल बीत गए और वो इंसान गुजर गया। उसके कर्म अच्छे थे, वो स्वर्ग में गया राइट। स्वर्ग में जाने के बाद उनसे भगवान से कहा कि भगवान मैंने पूरी जिंदगी आपकी प्रार्थना की, आपकी सेवा की, तो मुझे आपने वो सारी की सारी चीज दी क्यों नहीं। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं और बोला कि बेटा चलो मैं आपको कहीं पे ले जाता हूँ। वो वहीं पे एक जगह थी, वहां पे वो ले जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा कमरा, बहुत ही बड़ा कमरा, इतना बड़ा कमरा कि आप सोच नहीं पाओगे। वहां पे वो ले जाते हैं वो उस इंसान को और सीधा दरवाजा खोलते हैं। वो इंसान देखता कि यार इतनी सारी गिफ्ट, इतने सारे तोहफे, इतनी सारी चीज और इतनी सारी चीज जो मैं चाहता हूं। तो भगवान ने सिर्फ एक चीज कही कि बेटा आपने मांग तो लिया लेकिन कभी एक्शन पर तो आ जाते हैं राइट। तो सीधा सा मतलब है अगर यहाँ पे आपको कैरियर चूज करना है तो आप थोड़ी सी एक्शन में आ जाओ, सिर्फ 2 से लेकर 3 साल इतनी मेहनत कर लो, अपना खून पसीना इकट्ठा कर लो और अपनी जिंदगी बनाओ राइट। तीन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये जवाब आज रात को आप सोचना अपने आप को। 3 सवाल,
वेस्टिज नहीं तो और क्या, अगर वेस्टिज नहीं तो और क्या, मैंने पहले ही आपको बहुत सी चीज बारे में दिखाई, अगर ये नहीं तो और क्या, अगर अभी नहीं तो कब, इफ नॉट नाउ व्हेन, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। याद रखना कि जिस भी दिन सारे के सारे एजुकेशन फील्ड में ये चीज आ गई तो लोग चूज करने लगेंगे, आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, सो इट इज द गोल्डन टाइम, इफ नॉट नाउ व्हेन। और आखिरी सवाल आपसे, इफ नॉट यू देन हु, अगर आप नहीं तो और कौन, क्योंकि अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपकी होनी चाहिए। अगर ये नहीं तो और क्या, अगर अभी नहीं तो कब, और अगर आप नहीं तो और कौन, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इसका डिसीजन ले लिया, आपकी बेहतरीन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, और आपकी यार आने वाली ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैगुआर आपके चौखट पर इंतजार कर रही है, आपकी आने वाली जिंदगी, राइट, आपकी आने वाली लाइफ, आपकी आने वाली जिंदगी का इंतजार कर रही है, और वेस्टीज आपके साथ है, और सारा का सारा कल्चर आपको मिलेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से किसी को भी यहाँ पे कुछ फायदा मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सारा भाग्यशाली मानूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू एंड विश यू वेल। सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा मेरे बिजनेस पार्टनर, और उनका बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, सो हियर इज मिस्टर योगेंद्र सिंह कुमार सर। थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू सचिन जी और चिंतन जी, आपने हम एक मौका दिया। तो दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेरा नाम योगेंद्र सिंह हुआ है, मैं नड़िया से हूँ, मेरी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब है, और पार्ट टाइम मैं रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं सोशली भी काफी अच्छा काम कर चुका हूँ, और पार्ट टाइम मैं विशेष बिजनेस में हूँ। तो मैंने सिद्धार्थ को बिजनेस कैरियर में दिया है क्योंकि मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट का, मुझे जॉब का भी एक्सपीरियंस है, और जो जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो दोस्तों 17 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैंने वेस्टीज को चॉइस किया। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों, और उनका फ्यूचर क्या है। तो आज का वेबिनार किसके लिए है, पहले तो आज मेरे सामने बैठे हैं जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सैलरी में प्रॉब्लम है, अभी सैलरी कट हो रही है, जॉब लॉस, फैमिली सिक्योरिटी, क्योंकि लास्ट 4 मंथ में 100 साल में कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, वही चीज हमारे सामने है। तो नई जॉब के अवसर भी कम है अभी, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो फर्स्ट चांस एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा। अगर आप फ्रेशर है तो आपको एक्सपीरियंस लेके एक्सपीरियंस के लिए भी बैठना पड़ेगा। तीसरी, यंगस्टर के लिए, क्योंकि फिलहाल कोई अवसर नहीं है दोस्तों, आज हजारों लाखों यंगस्टर डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो उनको जॉब मिलना भी मुश्किल है दोस्तों। और जो लोग बिजनेस में है, व्यापार उद्योग वाले, जिन्हें लॉस हुआ है, भविष्य में लॉस अटकाना चाहते हैं कि हम लोग कब कैसे आगे आए, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए पहले को। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब है कि आपकी फैमिली के लिए स्टेबल इनकम आती है, चाहे आप काम पे जाए या ना जाए। हमने लास्ट 4 महीने में हम लोग घर पे ही थे, हम लोग गाड़ी भी नहीं निकाल सकते थे, हमारा खर्चा भी कम हो गया था, मगर हमारी इनकम 6 फिगर में ही रही, कम नहीं हुई। तो वो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से हुआ है। सेकंड, आपका बिजनेस संबंधी रही चीजों का होना चाहिए। दोस्तों काफी लोगों का बिजनेस अभी लॉकडाउन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल लो हुआ था, या आपका बिजनेस अलग अलग सिटी में भी होना चाहिए। अगर आप सोचो हमारा बिजनेस यहीं भी, काफी कंट्री में और काफी सिटीज में, काफी स्टेट में है, इसलिए कभी भी लॉकडाउन का कुछ भी मंदी का असर भी नहीं होगा। और बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो आपका बिजनेस ऑटोमेट पे चलना चाहिए दोस्तों, आप हो या न हो, मगर आपका बिजनेस में कुछ फर्क होने का हो न हो सके, और डुप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, अगर आप वहीं पे नहीं जाओगे तो वो बिजनेस या जॉब चलेगा नहीं चलेगा। और आपके बिजनेस के जरिए परिवार या समाज को मदद मिलनी चाहिए। अगर हम अकेले कमाते हैं तो वो मायने नहीं रखता, हमारे साथ आने वाले, हम जिन लोगों को मदद करना चाहते हैं वो लोग भी कमाने चाहिए। तो
क्या आप इस मंदी के माहौल में और नई कुछ अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं? तो हाँ, देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए आपका कस्टमर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा दोस्तों। आप जहीं भी हो, आप जो भी जहां भी जॉब करते हैं, तो और लोगों के नेटवर्क में और नेटवर्क में काम करते हैं और आपका लाभ वो नेटवर्क वाले लेते हैं। कस्टमर का नेटवर्क दो तरीके से बनता है, या तो आप करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट करके तो बना सकते हो, यानी कि रिलायंस जियो ने अभी भी जो भी मॉल ओपन कर रहे हैं, अभी भी जो भी कुछ बनाते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करके बना रहे हैं। दूसरा है आप थोड़ा सा वक्त और जीरो पैसा इन्वेस्ट करके, तो जो दूसरा है वो हमारे लिए अच्छा लगता है कि हमारे पास ऐसा तो पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, अगर है तो हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, तो दूसरा अच्छा रहेगा। करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट करके कुछ कस्टमर का नेटवर्क खड़ा करना, ये एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। तो हम लोग जहां भी हम लोगों ने मोबाइल टावर देखे, तो सोचो टावर कितनी बार डाले, एक बार अगर 4 महीने में भी लोगों ने तो इतना वाईफाई का यूज किया, इतना फोन का यूज किया, तो उन लोगों को मंदी नहीं मिली। एक टावर का हर महीने का 50,000 का जो भी खर्च है ना, वो तो एक मिनट में निकाल लेते हैं दोस्तों। ऐसे करके काफी काफी आइडिया है कि जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया है वो लोग आ गए हैं। आपके घर अगर गैस पाइपलाइन से गैस आता है तो देखो आप तक बॉर्डर से गैस लाते थे, अभी पाइपलाइन आया तो क्या हुआ, एक सिटी में 1 लाख कनेक्शन हुआ, तो करीबन पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने अगर कस्टमर बढ़ता है तो उनकी इनकम ज्यादा बढ़ती है दोस्तों। तो जिन्होंने पाइपलाइन डाली, जिन्होंने भी एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो आप सोचो 24 आवर वो लोग अपने घर में बैठे बैठे वो लोग पैसा कमाते हैं। अगर हमको अपना नेटवर्क बनाना चाहिए तो नेटवर्क के आप उबेर को देखो, फ्लिपकार्ट को देखो, ओला को देखो, या ओयो को देखो, मेक माई ट्रिप को देखो, yatra.com, Amazon, Zomato, जिनका खुद का बिजनेस देखो, खुद की गाड़ियां नहीं है, खुद की होटल नहीं है, तो भी कमाते हैं क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन पे काम किया, वो एप्लीकेशन कस्टमर और मालिक दोनों के बीच में है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हो तो आप 100% पे करके 40% में जो भी चीजें 60% बीच में जाती रही, वही चीज आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में दो देखो बीच में कोई नहीं है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर का नेटवर्क बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, इन्वेस्ट जीरो है। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो आज उनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखे हो तो यूएसए में 32 करोड़ लोग है और 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। चाइना में देखो, सभी देखो, और हमारे इंडिया में देखो 1,32 करोड़ पॉपुलेशन है और 7,800 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ थोड़ा सा ही। आप सोच सकते हो अगर आप यहाँ थोड़े भी काम करते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है दोस्तों, और आप चाहो इतना पैसा बिजनेस से कमा सकते हैं। मार्केट में तो सैकड़ों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो क्या कौन सी कंपनी सर्च करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में काम करना उचित रहेगा? तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करोगे, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन फी नहीं होनी चाहिए, अगर रिन्यूअल फी नहीं होनी चाहिए, जनरेशन बेस्ड प्लान होना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए भी प्रोडक्ट होनी चाहिए, विशाल रेंज होनी चाहिए, उनकी किफायत दाम होनी चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखो तो 3 प्रकार के मार्केट है। पहले ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम करोड़ों लाखों रुपया है, ऐसे 5% लोग हैं जिनको कभी क्वालिटी चीज चाहिए, और 65% लोग ऐसे हैं जो मिडिल मार्केट वाले हैं जिनको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, और यानी कि ब्रांड यूएसए चाहिए और प्राइस चाइनीज चाहिए, और 35% लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं जिनको क्वांटिटी चाहिए। तो हम लोग ये बिजनेस के जो जब भी प्रोडक्ट है हमारी, तो 65% लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, और हर एक शहर में उनका स्टोर होना चाहिए, ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा होनी चाहिए, हर एक शहर में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग सेमिनार भी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब कंपनी चुनाव करते हैं तो वही ध्यान में रखना है, कंपनी का एक्सपीरियंस 10 या 15 साल का होना चाहिए, विभिन्न देशों में ऑपरेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल अवसर होना चाहिए,
आज तक कितने लोग सफल हुए, सक्सेस हुए, वो भी प्रोफाइल देख के चेक करना चाहिए। और उनकी कार बुक है तो कार बुक चेक करो, उनका पे आउट चेक करो दोस्तों, तो कंपनी का विजन और मिशन भी होना चाहिए। तो अगर वही सर्च करते हैं तो मैंने 17 साल दुनिया की जानी मानी कंपनी में काम किया, फिर मैंने वेस्टिज चॉइस किया, मेरे पास काफी ऑप्शन थे, बट वेस्टिज भारत की नंबर वन कंपनी है और दुनिया की 100 कंपनी में 30 नंबर पे है। और वी आर सो हैप्पी और लकी कि वही एक ही कंपनी भारत की है जो 100 में है। तो आप एक बिजनेस में एक अच्छी जगह पे है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वेस्टिज की शुरुआत 2004 में हुई थी, गौतम बाली सर, गौरवीर सिंह कौर और दीपक सूद ने वही किया था बिजनेस का शुरुआत। और पिछले 2 साल से हम लोग टॉप पे हैं और काफी आप जिनसे बिजनेस में उनसे ये बिजनेस की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट चेंज करनी है, आपको शॉप चेंज करनी है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बात करनी है दोस्तों, वही सिर्फ नॉर्मल काम है। और लोगों को ऑनलाइन मीटिंग वेबिनार में इन्वाइट करना है। और आप सोच सकते हैं जिंदगी में एक चीज है, हम लोग मेरी बात करूं तो 1987 में मैं नडियाद में आया, मेरी जॉब शुरू में लगी थी, तब मेरे पास ना खुद का मकान नहीं था, मैंने किराया का घर लिया। तो काफी लोगों को अपना किराया का घर होता है, तो मैंने पहले साल 3000 का किराया, 5 साल तक 3000 का किराया भरा, फिर 5000 का किराया, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो किराया बढ़ता है, ऐसे करके 7000 का किराया होता है, ऐसे करके 9000 का, 11000 का सिर्फ, और 13000 का भी किराया होता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है। तो 30 साल तक अगर मैं किराए के मकान में रहता हूं तो मुझे 30 लाख किराया देना पड़ता है, और 30 लाख देने के बाद भी मैं किराया के किराएदार ही जिंदगी में रहता हूँ। तो मैंने एक ऑप्शन मुझे मिला ईएमआई पे खुद का घर, तो मैंने डाउन पेमेंट भर दिया, फिर एक ईएमआई ले लिया और ईएमआई से मैंने मकान खरीदा। तो पहले 5 साल मैंने जो ईएमआई भरा तो छत आई मेरे हिसाब से, फिर थोड़ी छत आई, फिर आधा मकान मेरे नाम हुआ। धीरे 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 मैंने 30 साल तक किराया भरा, ईएमआई भरा, तो 30 साल के बाद मैं अपने मकान का मालिक बना। और 30 साल के बाद जब मैंने मकान खरीदा था, आज उनकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो मैं एक ईएमआई से मैं ओनर बना। यहाँ क्या करना है, हम लोग मार्केट से हर महीने 2000 के, 3000 के, 5000 के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कस्टमर है यानी कि किरायादार, आप मकान के किरायादार है, ऐसे भी कस्टमर है जो ये जो हर महीने खर्च करते हैं। क्या क्या है, वेस्टिज है, आपको एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से आप वेस्टिज में आते हैं और लगातार खरीदारी पे आपको 50% तक बिजनेस में डिस्काउंट मिलता है। 2 से 3 साल में बिजनेस के मालिक बन जाते हैं और 1 करोड़ से अधिक रुपया कमाने का मौका है। जब जब आप हर महीने कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जैसे ईएमआई खरीदते थे, ईएमआई भरते थे, ऐसे एक दिन आप एक बिजनेस में ओनर बन जाओगे। और थोड़े ही साल में आप ये बिजनेस के ओनर से क्या हो सकता है आपको, कि आप अपनी जिंदगी में आगे आ सकते हो और काफी पैसे भी कमा सकते हो और काफी सक्सेस हो सकते हैं। हम लोगों ने आज 3 साल में बिजनेस से एक कार फंड से अपनी कार खरीदी है होंडा सिटी, और हाउस फंड से एक अच्छा और रिसोर्ट में मकान भी लेने के जा रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो जिंदगी में सफल होने के लिए एक चीज मायने रखती है, कितने पढ़े हैं, क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो मायने नहीं रखता। बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, अब्राहम लिंकन जूते सीते थे, ओबेरॉय होटल में सर्व करते थे, रजनीकांत बस कंडक्टर थे, और धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, और सचिन तेंदुलकर 10वीं कक्षा तक पढ़े थे। तो दोस्तों जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सामान हो या सामान। रतन टाटा ने बताया, अगर आप किसी की रोटी खिलाते हैं तो उनका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका दिखा देता है तो वो जीवन भर पेट भर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस आपको अपने आप तो सक्सेस बना रहा है, लोगों को सक्सेस बना रहा है। इंसान कहता है अगर पैसा तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन पैसा करता है तो कुछ करके तो दिखा मैं आ जाऊंगा। और एक चीज है, जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती दोस्तों, असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिशों को
तब तक जारी रखो जब तक आपकी जिंदगी इतिहास न बने। जीवन में मौके भी बहुत आते हैं पर साथ में चैलेंज भी लाते हैं, और चैलेंज को इग्नोर करो, उस मौके को झपट लेता है वही सिकंदर होता है। जिंदगी में हर रोज हम लोग सुबह निकलते हैं कुछ ना कुछ सफल होने के लिए। अगर जंगल में हर रोज सुबह होने पर एक हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा भागना है, क्योंकि शेर से बचना है। अगर शेर हर रोज सुबह उठकर सोचता है मुझे हिरन से तेज भागना है, क्योंकि अगर मैं हिरन से तेज नहीं भागूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा दोस्तों, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो आज हम लोगों को यहाँ जो भी मौका मिला, और चिंतन जी और सचिन जी का मैं थैंक्स करता हूँ, और यहाँ हमारे सामने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, नए लोग हैं, उन लोगों को मैं एक बिलीफ देना चाहता हूँ कि हम भी नॉर्मल थे। मेरी शुरुआत 1100 रुपए की सैलरी में जॉब में हुई थी, आज बहुत कुछ अच्छा कमा लेते हैं दोस्तों, अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, तो थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड बैक टू द होस्ट सचिन जी, चिंतन सर। हेलो, यस, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट। एक सेकेंड, आई गेस सर अभी आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सर, कल परफेक्ट है। थैंक यू सर। पहले तो ये कहना चाहूंगा मैं कि आप दोनों को इतने टाइम के बाद देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी जब आप आए थे तो आपने बहुत ही बढ़िया शेयरिंग की थी, और आज भी सर फैंटास्टिक, एज अ अनबीटेबल पेयर आप लोग बहुत बढ़िया सर आज अपने प्रेजेंटेशन दिया। इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, एंड सिद्धार्थ सर जो आपके बोलने का जो तरीका, इट इज रियली फैंटास्टिक सर। यानी कि आज जो आपने जो डिफरेंसेस बताए रिगार्डिंग जॉब इंजीनियर, एंड मैं अपने कुछ इंजीनियर दोस्तों को इमेजिन कर रहा था जब आप बता रहे थे, तो सो सोच रहा था कि अगर वो आज होते इस सेशन में तो जरूर शायद आपको फोन करते जॉइनिंग के लिए। रियली फैंटास्टिक सर, एंड थैंक यू पुवार सर, आपने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बताया दैट वाज फैंटास्टिक, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। एंड अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। हाँ यस सर, सो यहाँ पे सर देख सकते हो आप, अगर आपको क्वेश्चन बॉक्स अगर वहां पे दिखाई देगा या क्वेश्चंस का अगर आपके यहाँ पे लैपटॉप में ऑप्शंस दिखाई देगा तो आप कमेंट्स देख सकते हो। अनूप शाह जी कह रहे हैं थैंक्स सर, विश यू वेल, रियली वेरी गुड। एंड खुशबू पटेल मैडम कह रहे हैं कि ऑसम मीटिंग। राजा साहेब मोहंती कह रहे हैं थैंक यू। सो सर बहुत ही बढ़िया आज का प्रेजेंटेशन रहा, एंड थैंक यू स्पेशली सिद्धार्थ सर की आज आपने जो यूथ के लिए जो गाइडेंस जो लोगों को दी है, सो डेफिनेटली ये उनके बिजनेस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपको इन ट्रेनिंग से जो है वो बेनिफिट्स हो रही है, एंड आपके बिजनेस में आपको बदलाव जरूर नजर आ रहा है। एंड हमारे आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है कि अगर इन ट्रेनिंग से 6 बजे और 8 बजे वाले ट्रेनिंग से अगर आपके बिजनेस में अगर कुछ बदलाव आया है, जैसे कि एक कल एक क्राउन डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे कहा है कि सर क्राउन मैं बना हूं तो ये 6 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग की वजह से, क्योंकि जो भी लाइनें जो मेरी यू नो डेड हो चुकी थी, जो लोग उसमें एक्टिव नहीं थे उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया अलग अलग लीडर्स को सुन के। सो ऐसे अगर कुछ आपके पास आपके साथ भी अगर कुछ हुआ है कि बिजनेस में ग्रोथ आपको दिखा है तो जरूर हमें बताइएगा, मेल करिएगा हमें, सो दैट हमें भी पता चले। एंड अगर कुछ अलग ट्रेनिंग्स के रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर कुछ टॉपिक्स अगर आप चाहते हो
कि ये टॉपिक पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये टॉपिक पर ट्रेनिंग नहीं ली गई है, चाहे वो बेसिक से बेसिक ट्रेनिंग हो, तो वो हम आपके रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें आज तक आपने इतना सपोर्ट किया है, 6 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग को आपने इतना हिट करवाया है, ये आप जैसे पार्टिसिपेंट्स एंड हमारे वेस्टीज के लीडर्स की वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और इतना और प्यार हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर वंस अगेन, एंड ओवर टू यू चिंतन जी। चिंतन जी का मेरे ख्याल से शायद आज नेटवर्क इशू है, सो शायद वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। उन्होंने बीच में मुझे बताया था कि और शाम के 6 बजे वाली ट्रेनिंग में भी उनका एक कुछ नेटवर्क इशू था। सो एनीवेज वंस अगेन थैंक यू सर, पवार सर, सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दोस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से याद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, सॉरी हम आपको प्रेजेंटेशन सेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, तो आप अपना भी एक जैसे सिद्धार्थ सर ने प्रेजेंटेशन बनाया वैसे आप बना सकते हो, एंड रिकॉर्डिंग इसकी हम नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग होती भी नहीं शायद, आई डोंट थिंक सो कि हम करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग, बट स्टिल हम जो है उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस भी नहीं है, एंड ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वी कांट शेयर दिस टू थिंग्स आपके साथ। सो कोई भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर मैं रिसीव ना कर पाऊँ तो मुझे दोबारा कॉल कीजिए, या तो फिर मैसेज डालिए, या तो फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट आपको जरूर आएगा, एंड कोई भी अलग ट्रेनिंग्स की टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे जरूर बता देना। मेरे ख्याल से चिंतन जी का नेटवर्क आ चुके हैं, चिंतन जी हमारे साथ कनेक्टेड है, यस ओवर टू यू चिंतन सर। Thank you so much, and it was a wonderful presentation, wonderful sharing, Mr. Siddha Singh and Mr. Yogendra Singh Puwar. और सही में मैं बताऊँ कि मतलब कि आज यहाँ पे आपने जो बताया है यूथ के लिए, आपने जो चीजें बताई थी, मुझे एक ही टॉपिक में बताऊँ ना फ्रेंड्स के, यहाँ पे आज यहाँ पे सिद्धार्थ जी ने एक बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी, उन्होंने एक एजुकेशन के लिए आपको चीज बताई, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर की पढ़ाई करते हो तो आपको कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें 1 से 12 तक आपको पढ़ाई करनी है, फिर 3-4 साल ग्रेजुएशन का, और वो तो सब ठीक है, बट उसके बाद खर्चा उन्होंने जो बताया ना, तो आप सोचो कि उन्होंने पूरा कैलकुलेशन समझाया फ्रेंड्स, कि आज एक यूथ ही ये कैलकुलेशन कर सकता है, बाकी कोई कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता है, और वही कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, अगर कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो चलो पढ़ाई तो कंपलसरी करनी ही चाहिए, बट उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर इंजीनियरिंग में, आज आप देखो कि आज ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसके कारण आज बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है, अब खुदा ना खास्ता कल उड़ के ऐसा कुछ आ गया और वापिस आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की बट आपके पास जॉब नहीं है, आपने आपके पापा ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके पीछे, पैसा अच्छा खासा लगा दिया, बट आपको अगर जॉब नहीं मिल रही और अगर जॉब मिल गई और ऐसा कुछ सिचुएशन आया और आपकी जॉब चली गई तो आपकी सिक्योरिटी क्या है, तो यही चीज को आज बाकुदा बहुत ही सिंपल और ले लैंग्वेज में यहाँ पे सिद्धार्थ जी ने समझाया है। सो रियली इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आज हमको आ रहे हैं कि सर वापिस से सिद्धार्थ जी को बुलाना, वापिस से इनको बुलाना, तो 100% सर यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो बुलाया तो 100% हम लोग वापिस से सिद्धार्थ जी को और योगेंद्र जी को बुलाएंगे, और 100% मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि वो 100% वापिस आएंगे और इससे भी ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आएंगे, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आप लोगों की चेक बढ़े। ओके सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, आपने आपका कीमती समय हमें दिया है, आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पे कुछ नया रास्ता दिखाया है कि यूथ का फ्यूचर क्या है वेस्टेज में, तो रियली सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू सचिन जी।